वेलकम टू माय चैनल माँ करे ड्राइंग्स। तो आज हम आउटलाइन ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं और हेयर कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ और एक ही साइज़ का पेपर और ग्रिड यानी जो बॉक्सेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे उनकी साइज है 3 सेंटीमीटर। फिर मार्क बनाकर आपको लाइन्स बनानी है और ये ग्रिड्स आपको ग्रिड फॉर ड्राइंग नाम की एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, उस पर से आप ग्रिड बना सकते हैं। सो ग्रिड्स डायमेंशन पोर्ट्रेट। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल या फिर आप इसे लेड पेंसिल भी कह सकते हो। सो इससे हम आउटलाइंस बनाएंगे। सो ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाना, जो लाइन नेसेसरी आपको लग रही होगी सिर्फ उन्हीं को बनाना है और रफली स्केच बनाना है। सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो लाइक सब्सक्राइब द चैनल, आपको बहुत सारे नए टेक्निक के बारे में पता चलेगा इस चैनल पर। बहुत सारे वीडियो मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ, कर रहा हूँ साइमन पिंक कलर का। सो इसे भर देना है। सो एक एक करके हमें नीचे जाना है बॉक्स में, वरना क्या होगा अगर हम सीधे नीचे से ऊपर जाए तो पूरा कलर समझ हो जाएगा एक दूसरे पर, इसलिए हमेशा ऊपर से नीचे शुरुआत करना। और ब्लेंडिंग करते समय लाइट टू डार्क ब्लेंड करना, डार्क वर्क करना है। बार याद है सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यू को ऐड करने की, तो मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक कलर का। और अभी हम कॉटन बर्ड को यूज़ करने वाले हैं। तो कॉटन बर्ड को क्यों यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि कलर को हमें स्मूथ करना है, स्ट्रोक्स बनाने हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लेंडिंग।
के रेफरेंस फोटो को ध्यान से देखना और फिर जिस डायरेक्शन में हेयर से आपके रेफरेंस फोटो के उसी डायरेक्शन में आपको सेम स्ट्रोक्स लगाना है। सो अभी मैं यूज कर रहा हूँ स्क्रैपिंग टूल। एरियाज पर मैं यूज कर रहा हूँ अल्ट्रा मरीन ब्लू। सो कॉटन बर्ड से फिर से ब्लेंड कर लेंगे। सो इस साइड भी हमें हाइलाइटेड हेयर्स बनाए हुए और इस साइड हम यूज करने जा रहे हैं वो कलर है वायलेट प्लस कोबाल्ट ब्लू कलर और उन्हें हमें करना है ब्लेंड, अच्छे से ब्लेंड करना है। So thanks for watching the video till the end. So मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। So stay tuned to the channel. Bye bye.